नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल के ऊपर मेरा नाम है संदीप जयानी आज के इस सेशन में फ्लूड मैकेनिक्स के हम क्वेश्चंस करेंगे सवाल करेंगे पचास कोशिश करेंगे पचास मिनट के अंदर करने की कई बार एक आध क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जिसके अंदर आपको ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़े तो उसमें टाइम जो है एट एन एवरेज अगर ज़्यादा लग जाए तो बात अलग है अदरवाइज वी विल ट्राई कि फिफ्टी मिनट्स में फिफ्टी क्वेश्चन हम करें दोस्तों हमारा ओवरऑल स्केड्यूल जो है वो कुछ इस प्रकार से है यूट्यूब पे जो हमारे सेशन होते हैं मंडे टू फ्राइडे पढ़ते हैं मंडे टू फ्राइडे नाइन पी एम यूट्यूब के ऊपर फ्लूड मैकेनिक्स चल रहा था इसके अलावा ऐप के ऊपर दो सेशन होते हैं सुबह नौ बजे और ग्यारह बजे नौ बजे वाले सेशन के अंदर सर्वेइंग चल रहा है और बिल्डिंग मटेरियल कंप्लीट हो चुका है उसके क्वेश्चंस कर रहे हैं प्रैक्टिस वाला पार्ट जो है वो एम वाले सेशन में हम कर रहे हैं और जल्द ही नया सब्जेक्ट जो है वो ऐप के ऊपर स्टार्ट हो जाएगा अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको ऐप का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में और पेंड चैट के अंदर भी दिया हुआ है आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जहां से आप अपने एग्जाम जो भी आपका ड्रीम एग्जाम है उसकी तैयारी कर सकते हैं जिसका पार्ट सिविल इंजीनियरिंग है सभी को नमस्कार सभी को गुड इवनिंग लेट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर वन द डायमेंशन ऑफ अ प्रेशर ग्रेडियंट इन फ्लूड फ्लो आर देखिए क्वेश्चन नंबर द डायमेंशन ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट इन फ्लू आर प्रेशर ग्रेडियंट प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू एक्स डायरेक्शन कैसे चेंज हो रहा है इसके डायमेंशन की अगर हम बात करें तो डीपी बाई डी आपको बताना है प्रेशर कैसे चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स डायरेक्शन प्रेशर की अगर हम बात करें तो प्रेशर की यूनिट निकल करके आती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अगर हम बात करेंगे डिस्टेंस की तो ये मीटर के अंदर आ जाएगी इफेक्टिवली इसकी यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो इसकी यूनिट आ जाती है न्यूटन पर मीटर क्यूब एक्टली exactly, बोलना तो हमें यही चाहिए कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर मीटर लेकिन अगर वैसे देखें डायमेंशन की फॉर्मेट में तो एन अपॉन एम एल क्यूब अगर एन की बात करें न्यूटन तो उसको आप एम एल टी माइनस टू से याद रख सकते हैं डिवाइडेड बाय लेंथ की पावर थ्री तो आपके पास प्रेशर ग्रेडियंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाता है मास की पावर वन लेंथ की पावर माइनस टू टाइम की पावर माइनस टू चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन अ फ्लूड इज वन विच कैन बी डिफाइंड एज अ सब्सटेंस फ्लूड एक ऐसा सब्सटेंस है फ्लुइड की डेफिनेशन आपको इनमें से सिलेक्ट करनी है करेक्ट डेफिनेशन फ्लूड की सेलेक्ट करें अ fluid इज अ substance दैट कैन deform इनडेफिनेटली अंडर द एक्शन ऑफ स्मॉलेस्ट शेयर फोर्स छोटे से छोटे शेयर फोर्स लगने पर भी डी फॉर्म कर सकता है ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट शियर स्ट्रेस इन द न्यूटोनियन फ्लूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेस इन न्यूटोनियन फ्लूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑप्शन ए है प्रेशर ऑप्शन बी है स्ट्रेन ऑप्शन सी है स्ट्रेन रेट और ऑप्शन डी है इनवर्स ऑफ विस्कोसिटी अगर हम बात करें शीयर स्ट्रेस की तो शीयर स्ट्रेस तो होता है ग्रेडियंट के. या आपने एक और भी देखा था कि शीयर स्ट्रेस जो है वो म्यू इंटू डी थीटा बाई डी टी यानी कि आप कंटिन्यूस फ्लो कंटिन्यूस डी फॉर्मेशन इसके बारे में आपने बात की थी तो शीयर स्ट्रेस का डायरेक्टली प्रोपोर्शन है डी थीटा बाई डी टी से या फिर आप इसे बोलते हैं स्ट्रेन के रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है स्ट्रेन रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा बी करेक्ट आंसर नहीं होगा नेक्स्ट क्वेश्चन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो डायनेमिक विस्कोसिटी म्यू फ्लोज स्टेडिली डाउन एन इंक्लाइन प्लेन इन अ थिन शीट ऑफ कॉन्स्टेंट थिकनेस टी नेग्लेक्टिंग एयर फ्रिक्शन द शर स्ट्रेस ऑन द बॉटम सर्फेस ड्यू टू द लिक्विड फ्लो इज आपको यह दिया गया है कि एक इनक्लाइंड प्लेन है इस इनक्लाइंड प्लेन के ऊपर एक फ्लूड जो है वो फ्लो कर रहा है एक फ्लूड की लेयर फ्लो कर रही है अब इनटू द प्लेन आप इमेजिन कर लीजिएगा कुछ इस प्रकार से एक इंक्लाइन प्लेन है जिसके ऊपर एक फ्लूड की लेयर जो है वो फ्लो कर रही है अगर आप इस फ्लूड की लेयर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए मान लेते हैं कि इस फ्लूड की लेयर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और इस फ्लूड की लेयर की थिकनेस आपको क्वेश्चन में दी हुई है कि ये थिकनेस कितनी है इसकी इसकी थिकनेस है टी एयर फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करना है शेयर स्ट्रेस ऑन द बॉटम सर्फेस ड्यू टू द लिक्विड फ्लो इज शियर स्ट्रेस यहां पर कितना होगा

तो यहां से आप लिख सकते हैं कि मास की वैल्यू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगी इस फॉर्मूले के अंदर आप इसे पुट कर दीजिए कि एम जी साइन थीटा को इक्वेट करवाना है शीयर स्ट्रेस इंटू एरिया ए से मास की जगह आप डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख रहे हैं वॉल्यूम को हम एरिया इंटू थिकनेस लिख सकते हैं इंटू जी साइन थीटा इक्वल्स टू टाव इंटू ए अब आपके पास यहां पर एरिया से एरिया कैंसिल आउट हो जाएगा शीयर स्ट्रेस की जगह अगर आप वैल्यूज पुट करना चाहते हैं तो वो पुट कर सकते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे द शियर स्ट्रेस ऑन द बॉटम सरफेस शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी टाउ इज इक्वल टू रो इंटू टी इंटू जी साइन थीटा कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा रो जी टी साइन थीटा ऑप्शन ए नेक्स्ट द यूनिट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी म्यू की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इनटू सेकेंड एम जी साइन थीटा कैसे याद कर वो बचपन के दिन जब किसी इंक्लाइन प्लेन पर पढ़ा करते थे कि किसी इंक्लाइन प्लेन के ऊपर अब आप एक्स्ट्रा टाइम ले रहे हैं लास्ट में ये मत बोलिएगा पचास मिनट में पचास क्वेश्चन हुए नहीं है कोई अगर ब्लॉक होता है उस ब्लॉक का खुद का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम लग रहा है अगर ये एंगल थीटा है ये नाइन माइनस थीटा हो जाएगा यहां पे अगर ऑब्जर्व करेंगे पूरा नाइनटी है ये नाइन्टी माइनस थीटा है तो ये एंगल थीटा हो जाएगा अब अगर ये एम है थीटा के साथ वाला कॉम्पोनेंट जो है वो एम जी थीटा हो जाएगा और इसके परपेंडिकुलर वाला कॉम्पोनेंट जो है वो एम जी साइन थीटा हो जाएगा विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर द विस्कोसिटी ऑफ फ्लूड जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो फ्लूड की विस्कोसिटी अगर गैस है तो बढ़ती है लिक्विड है अगर तो विस्कोसिटी रिड्यूस होती है ये हमने पढ़ा था कि लिक्विड्स के केस में

स्ट्रेस जो है शीयर स्ट्रेस जो है वो जीरो होगा तब हम उसको बोल देंगे कि वो फ्लूड जो है वो फ्री सरफ़ेस है उसके ऊपर। वर्टिकल ट्राइंगुलर प्लेन एरिया वर्टेक्स डाउनवर्ड वर्टेक्स डाउनवर्ड दे रखी है और एक साइड फ्री सरफेस पे है यहां पर वॉटर का फ्री सरफेस है द प्रेशर सेंटर बिलो फ्री सरफेस इज गिवन बाय अगर आपको डायरेक्टली याद है इसका सेंटर ऑफ प्रेशर तो डायरेक्टली पुट कर सकते हैं अगर याद नहीं है तो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर का जो कि आपको बोलता है कि एक्स बार प्लस आई जी अपॉन ए एक्स बार एक्स बार की अगर हम बात करें तो एक्स बार होता है सी जी फ्री सरफेस से इसके सीजी तक का डिस्टेंस फ्री सरफेस से इसके सीजी तक का डिस्टेंस एक्स बार होता है तो एक्स बार की वैल्यू यहां पर आ जाएगी आपके पास एच बाई थ्री प्लस आई जी आई जी होता है बी एच क्यूब अपॉन ट्वेल्व इन एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू एक्स बार एच बाई थ्री सॉल्व करेंगे तो एच बाई टू आ जाएगा ओवरऑल ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा ये याद भी किए थे हमने नेक्स्ट क्वेश्चन सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ अ लिक्विड ऑन अ प्लेन सर्फेस इमर्ज वर्टिकली इन स्टेटिक बॉडी ऑफ लिक्विड ऑलवेज लाइव बिलो Because आप ये कह रहे हैं कि कोई भी बॉडी को जब हमने लिक्विड के अंदर इमर्स कर रखा है तो उस केस में अगर हम उसके CG की बात करते हैं और अगर हम उसके सेंटर ऑफ प्रेशर की बात करते हैं तो CG हमेशा ऊपर रहता है और सेंटर ऑफ प्रेशर नीचे रहता है क्यों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर हम प्रेशर डायग्राम को देखेंगे तो प्रेशर जो हमारा चेंज होता रहता है एच रो जी जिसको हम लिखते हैं तो वो इंक्रीज होता चला जाता है जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती है द लिक्विड प्रेशर इंक्रीजेज लीनियरली विद डेप्थ जिसे हम बोलते हैं ना एच रो जी तो एच के साथ साथ प्रेशर चेंज होता चला जा रहा है डी करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट वुड द वर्टिकल फोर्स ऑन द सिलेंडर ड्यू टू वॉटर बी मैक्सिमम एक सिलेंडर है किस केस के अंदर पानी की वजह से प्रेशर इस पर मैक्सिमम होगा देखिए हम ये बोल रहे हैं कि इस सिलेंड्रिकल बॉडी के ऊपर पहली चीज तो आपको यह ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन में उसने बोला क्या हमें क्वेश्चन में उसने हमसे कहा है वर्टिकल फोर्स वर्टिकल फोर्स ऑन द सिलेंडर ड्यू टू द वाटर विल बी मैक्सिमम अब वर्टिकल फोर्स अगर आपको ऑब्जर्व करनी हो तो वर्टिकल फोर्स को आप कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं इस केस में तो वाटर की वजह से जो वर्टिकल फोर्स आएगी वो कितने सरफेस के ऊपर आएगी पानी कितने सरफेस पे इस बॉडी से कितने ऊपर प्रेजेंट है या तो यहां प्रेजेंट है या फिर यहां पर प्रेजेंट है तो इन सब की वजह से आएगी इस केस में अगर आप देखेंगे तो यहां पर इस केस में अगर आप देखेंगे तो यहां पर और इस केस में अगर ऑब्जर्व करेंगे तो पूरी बॉडी के ऊपर अब आप देख लीजिए किस केस में मैक्सिमम दिखाई दे रहा है क्वेश्चन ये था वर्टिकल फोर्स वर्टिकल फोर्स मतलब वाटर की वजह से वाटर का वेट कह लो वर्टिकल डायरेक्शन में यहां पे भी लग रहा है इस पे इस पोर्शन के ऊपर भी लगेगा यहां पे देखेंगे तो इस पोर्शन पे लगेगा यहां देखेंगे इस पोर्शन पे यहां पूरे पे तो ऑप्शन डी ऑब्वियसली करेक्ट आंसर हो जाएगा मैक्सिमम एक्सपोजर वर्टिकल फोर्स का इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन तीन बकेट्स आपको दे रखी हैं जिनकी अलग अलग फिगर्स आपको दिखाई दे रही हैं आपको यह बताना है कि वेट ऑफ वाटर किस केस में ज्यादा होगा और आपको यह बताना है कि फोर्सेस जो लग रही होंगी वो किसकी ज्यादा होंगी यहां पर ध्यान रहे कि आपको यह नहीं बोला कि प्रेशर किस केस में ज्यादा होगा या प्रेशर सेम होगा देखें अगर इन तीन बकेट्स की बात करें सबसे पहले वेट की बात कर लेते हैं ठीक है सबसे पहले वेट की बात कर लेते हैं थ्री रिजिड बकेट्स शोन इन फिगर्स एंड आर ऑफ आइडेंटिकल हाइट सबकी हाइट सेम है एंड बेस एरिया बेस एरिया भी सबके सेम है अगर इसका बेस एरिया बी है तो इनका भी बी है और इसका भी बी है अब कंपेयर कर लीजिए अगर सबका बेस एरिया सेम हो गया तो इस केस में वेट सबसे ज्यादा किसका होगा ये आपके पास कंटेनर इसकी जो स्लैंडिंग साइड है वो एकदम वर्टिकल है इसकी साइड जो है वो एकदम वर्टिकल है इसकी इस तरीके से है तो अगर इससे कंपेयर करते हैं हम इसे तो बी इंटू एच वाला पोर्शन फर्स्ट जितना पोर्शन तो यहीं पर आ रहा है लेकिन अगर थर्ड से कंपेयर करें हम अगर हम थर्ड से कंपेयर करें फर्स्ट को तो ये वाला पोर्शन मिसिंग है अगर आप कंपेयर करेंगे जितना यहां पर हमें प्रोजेक्टेड एरिया या वॉल्यूम दिख रहा है उससे ज्यादा इसमें दिख रहा है क्योंकि बी इंटू एच वाला पोर्शन तो यही है कुछ एक्स्ट्रा ही बचाइए इस केस में बी इंटू एच करें तो कुछ पोर्शन कम पड़ रहा है यानी कि सबसे ज्यादा कौन सा है सेकेंड वाला फिर उसके बाद कौन सा फर्स्ट का फिर उसके बाद कौन सा थर्ड तो वेट के केस में सबसे ज्यादा तो सेकेंड फिर उसके बाद फर्स्ट फिर उसके बाद थर्ड आ जाता है टू वन थ्री आ गया अब बात करते हैं फोर्स की अब बात करेंगे फोर्स कितनी फोर्स के केस में अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो फोर्स के केस में आप क्या लिख सकते हैं इस जगह पर इस बॉटम के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो फोर्स लग सकती है प्रेशर इनटू एरिया प्रेशर की अगर हम बात करें तो एच रो जी और इनटू एरिया सब केस में एच सेम है और यहां पर बेस का एरिया भी आपका सेम रहेगा बेस बी दे रखा है आपको बेस एरिया सबका सेम दे रखा है ना आपको एरिया सेम एच सेम रोज ही तो सेम रहेगा ही ऑब्वियसली सबके लिए तो इस केस में आप ये बोल सकते हैं कि एफ वन इज इक्वल टू एफ टू इज इक्वल टू एफ थ्री करेक्ट आंसर कौन सा है चूज करें इसमें से फोर सेम रहेंगी टू वन थ्री ऑप्शन डी करेक्ट आंसर दिख रहा है हमें नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट्स द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन कंप्रेसिबिलिटी िटी और बल्क मॉड्यूल जो है वो एक दूसरे के इनवर्स है फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रिगार्ड टू बॉडीज दैट फ्लू और आर सबमर्ड इन लिक्विड सबमर्ज बॉडीज और फ्लूटिंग बॉडीज या ये कह लीजिए पार्शियली सबमर्ज बॉडीज इनकी स्टेबिलिटी के लिए हमने कुछ बातें पढ़ी थी उन्हीं को कंबाइन करके यहां पर आपसे पूछ रहा है कि अगर हमने फुल्ली सबमर्ज बॉडी पानी के अंदर पूरी डूबी हुई है इस बॉडी की बात की थी तो इस केस में हमने बोला था कि स्टेबल इक्विलिब्रियम तब कहलाएगा सेंटर ऑफ बायसी ऊपर हो अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे हो तो स्टेबल है अदरवाइज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम अगर हमने पार्शियली सबमर्ज या फ्लोटिंग बॉडीज की बात की थी तो हमने कहा था मेटा सेंटर ऊपर फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी फिर सेंटर ऑफ बायसी आना चाहिए इन्हीं स्टेटमेंट्स को रीड कर लीजिए और बताएं कि इनमें से करेक्ट वाला स्टेटमेंट कौन सा है जिन दोस्तों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है अगर आपको पसंद आते हैं तो आप लाइक कर सकते हैं हाउ एरिया इज सेम क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे उसमें लिखा है कि एरिया इज सेम

तो ये तो हो गया हमारा पार्शियली सबमर्ज वाला केस सेंटर ऑफ बायसी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे है एंड द मेटा सेंटर इज अब बोथ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड बायसी मेटा सेंटर इनसे भी ऊपर है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन इन एन आइसबर्ग फिफ्टीन परसेंट ऑफ द वॉल्यूम प्रोजेक्ट अब सी सरफेस ये सी सरफेस है और कुछ आइसबर्ग बना लेते हैं 15% परसेंट वॉल्यूम ऊपर है यानी कि 0.15 पॉइंट ऊपर है 0.85 पॉइंट नीचे है स्पेसिफिक वेट आपको सी वाटर का दे रखा है स्पेसिफिक वेट ऑफ आइस बर्ग आपको पता करना है चलिए दोस्तों इस फॉर्मूले की बात कर लेते हैं सबसे पहले ये फ्लोट क्यों कर रहा है ये डूब क्यों नहीं जा रहा ये इसलिए फ्लोट कर रहा है क्योंकि इसका खुद का वेट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम लग रहा है और अपवर्ड डायरेक्शन में इसके ऊपर एक बायसी फोर्स लग रही है जो कि किस कारण से लग रही है जितना वेट ऑफ द फ्लूड इसने यहां से डिस्प्लेस करवा दिया उसके बराबर अब हम बोल रहे हैं कि यूनिट वेट किसके बराबर होता है वेट अपॉन वॉल्यूम के बराबर होता है तो वेट को एक्सप्रेस किया जा सकता है यूनिट वेट इनटू वॉल्यूम के बराबर वेट को ऐसे लिख सकते हैं यूनिट वेट इनटू वॉल्यूम वेट को जब ऐसे लिख देंगे हम बाइंसी फोर्स आपने एक्सप्रेस किया कि वेट इज इक्वल टू फोर्स वेट को हमने लिख दिया कि गामा ऑफ आइसबर्ग इन टू वॉल्यूम इक्वल टू बायसी फोर्स को अगर हम एक्सप्रेस करते हैं तो बायसी फोर्स होती है रो जी वी के बराबर या फिर रो जी को आप लिख सकते हैं स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूड डिस्प्लेस्ड जो फ्लूड हटाया गया उसका स्पेसिफिक वेट तो आप यहां पर इसे लिख सकते हैं गामा ऑफ सी वाटर इनटू कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया गया देखिए इस केस में गामा ऑफ आइसबर्ग इनटू वी इक्वल्स टू सी वाटर का यूनिट वेट आपके पास टेन पॉइंट फाइव इंटू वॉल्यूम कितना है जीरो पॉइंट एट फाइव बी डिस्प्लेस किया गया बताएं कितना आएगा आंसर एट पॉइंट नाइन टू फाइव पॉइंट नाइन टू फाइव किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब ऑप्शन सी आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन अ 15 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ स्टील रॉड विद रिलेटिव डेंसिटी ऑफ 7.4 पॉइंट फोर इज सबमर्ज इन अ टू लेयर फ्लूड एक दो लेयर वाले फ्लूड के अंदर ये सबमर्ज है पहली फ्लूड लेयर ये दूसरे फ्लूड की लेयर इन दोनों के अंदर वो स्टील रॉड इमर्ज है उसको दिखा देते हैं हम ब्लैक कलर से द बॉटम लेयर इज मर्करी एंड द टॉप लेयर इज वॉटर

तो अब 15 सेंटीमीटर में से x माइनस कर देंगे तो ये 15 माइनस एक्स बच जाएगा अब ओवरऑल इस पर क्या क्या फोर्सेस लग रही हैं ये थी जो आपके पास स्टील रॉड इसके ऊपर खुद का वेट mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा था अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लग रही थी बायसी फोर्स ड्यू टू मरकरी बायसी फोर्स ड्यू टू एच और एक इसके अंदर लग रही थी ड्यू टू वॉटर इन दोनों को बस बैलेंस करवाना है हमें क्या करना है हमें यह लिखना है कि वेट ऑफ द रॉड इज इक्वल टू फोर्स फोर्स ड्यू ड्यू टू टू मरकरी अब अगर आप इसके वेट को एक्सप्रेस करेंगे सेम तरीके से जैसे थोड़ी देर पहले हमने बोला था कि डेंसिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम तो मास को लिखा जा सकता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख देंगे और अगर इसकी डेंसिटी पता करनी है स्पेसिफिक ग्रेविटी 7.4 दे रखी है तो डेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 7400 फोर पर मीटर क्यूब वेट को लिखेंगे एम के बराबर और एम के अंदर एम को लिख देंगे रो तो रो आपके पास सेवन फोर वाटर वाटर के केस में अगर हम बात करें तो बायसी वॉल्यूम जो वाटर का डिस्प्लेस हुआ इनटू जी प्लस डेंसिटी मरकरी की कितनी है वॉल्यूम मरकरी का कितना डिस्प्लेस हुआ इनटू जी जी से सारे जी कैंसिल हो जाएंगे यहां पर ये कैंसिल आउट ये कैंसिल आउट ये वॉल्यूम की अगर हम बात करेंगे डेंसिटी ऑफ द रॉड रॉड की डेंसिटी सेवन फोर डबल जीरो मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम पाई बाई फोर जो भी अगर आप इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मानना चाहें लेट से पाई क्यों ए ही मान लेते हैं कि इस रॉड का क्रॉस सेक्शनल एरिया इस रॉड का यहां पर ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है तो आपने लिख दिया कि ए इंटू फिफ्टीन सेंटीमीटर जीरो पॉइंट वन फाइव और ये सेंटीमीटर में ही बोल रहा है तो सेंटीमीटर में ही पुट कर देते हैं फिफ्टीन सेंटीमीटर इक्वल्स टू इस तरफ डेंसिटी ऑफ वाटर पर मीटर क्यूब इनटू कितना वाटर का वॉल्यूम डिस्प्लेस किया वाटर है।, तो है यहां अगर मरकरी है तो वाटर के अंदर इसका वॉल्यूम कितना ए इंटू एक्स है ए इंटू एक्स के अंदर इसका वॉल्यूम है प्लस डेंसिटी ऑफ मरकरी थर्टीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड इंटू मरकरी के अंदर इसका कितना वॉल्यूम इमर्ज है फिफ्टीन माइनस एक्स इंटू ए अब सॉल्व कर लीजिए फिर से आपका ए से ए सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है यहां से एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए सेवन पॉइंट सिक्स फोर सेवन पॉइंट थ्री एट जीरो सेवन पॉइंट थ्री सेवन पॉइंट सिक्स सेवन पॉइंट थ्री ओके सेवन पॉइंट थ्री सेंटीमीटर नेक्स्ट क्वेश्चन बॉडी कंप्लीटली सबर्ज इन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी कंप्लीटली समर्ज अगर आपके पास है तो उसके पता है फर्स्ट वाला केस हो गया हमारा जब हम बात कर रहे थे ये वाला आपके पास फुल्ली सबर्ज कंप्लीटली समर्ज तो इस केस में सेंटर ऑफ बायसी आपके पास होना चाहिए ऊपर सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे होना चाहिए तो स्टेबल इक्विलिब्रियम बनेगा फॉर अ बॉडी कंप्लीटली समर्ज इन फ्लूड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ बायसी के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए कि ओ ऊपर रहेगा जी नीचे रहेगा ओ ऊपर और जी नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन द टाइप ऑफ लूड इन विच फ्लो एंड फ्लूड प्रॉपर्टीज डज नॉट चेंज विद टाइम एट एनी गिवन लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू स्पेस अगर प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हो रही हैं तो ऐसे फ्लो को क्या बोलते हैं सॉरी डज नॉट चेंज विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम बोला है विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर चेंज नहीं हो रही है तो स्टडी फ्लो विद रिस्पेक्ट टू स्पेस अगर चेंज नहीं हो रही होती तो यूनिफॉर्म फ्लो बोलते आपको क्वेश्चन में उसने बोला कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम विद टाइम अगर प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हो रही है, तो एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ विलॉसिटी इन अ टू डायमेंशनल इनकम्प्रेसिबल फ्लो इज गिवन बायू इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस फोर एक्स वाई इफ वाई कॉम्पोनेंट ऑफ इज बी And equals to zero at y equals to zero. The expression for v is given as आपको v का एक्सप्रेशन बताना है कहानी की शुरुआत होगी इसके अंदर इस एक शब्द से इसने क्या बोला कि फ्लो क्या है इनकम्प्रेसिबल इनकम्प्रेसिबल फ्लो जब भी हमें देखने को मिलेगा तो हम इक्वेशन यूज करेंगे कि डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी इक्वल्स टू जीरो अब यू को डिफ्रेंशिएट करना है पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स बेटर रहेगा ऐसे लिखें इसे हम यू को पार्शियली डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x u की इक्वेशन वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई तो वाई को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशियट करेंगे अगर तो हमारे पास हो जाएगा जीरो प्लसेंशियट करेंगे तो आपके पास आ गया जीरो से आपके पास आ गया डीवी इज इक्वल टू फोर वाई डी वाई दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा वेलोसिटी इज इक्वल टू 4 इंटू वाई का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाई टू प्लस एक कांस्टेंट आ जाएगा अब आप यहां से वैल्यू पुट करेंगे एट y इज इक्वल टू जीरो वेलोसिटी भी जीरो है तो एट y इज इक्वल टू जीरो वी की वैल्यू भी जीरो है तो आप ये बोलेंगे इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए y की वैल्यू जीरो v की वैल्यू जीरो तो c की वैल्यू भी जीरो आ जाएगी देयरफॉर वेलोसिटी की इक्वेशन y डायरेक्शन में आपके पास आ गई फोर वाई स्क्वायर बाय टू यानी कि वाई स्क्वायर बाय टू वाई स्क्वायर आ गई एक साइन यहां पर देख लीजिएगा ये फोर ये उधर चला जाएगा ये माइनस साइन आ जाएगा यहां भी माइनस साइन आ जाएगा यहां पे भी माइनस साइन आ जाएगा ऑप्शन सी आ जाएगा माइनस टू वाई स्क्वायर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन द रिलेशन दैट मस्ट होल्ड फॉर द फ्लू टू बी इर्रोटेशनल। फ्लू अगर इर्रोटेशनल होगा तो रोटेशन की वैल्यू जीरो होनी चाहिए इसका मतलब रोटेशन क्या होता है आप v को रिस्पेक्ट विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे वेलोसिटी का कॉम्पोनेंट y डायरेक्शन में डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में माइनस u को डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में इक्वल्स टू जीरो और यहां से अगर आप देखेंगे तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी डेल अपॉन डेल इक्वल्स टू डेल u अपॉन डेल y करेक्ट आंसर कौन सा होगा देख लीजिए ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन. वेलोसिटी फील्ड इज गिवन बाय वेक्टर दे रखा है वेलोसिटी का. एक्स और वाई मीटर्स में है द एक्सेलरेशन ऑफ अ फ्लूड पार्टिकल एट एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू वन कॉमा वन इन एक्स डायरेक्शन इज एक्सेलरेशन बताना है आपको सिर्फ एक ही फार्मूला बोला है सिर्फ एक्स का बोला है इसने आपको पता है कि एक्सेलरेशन चलो पहले तो इसको लिख लेते हैं कि वेलोसिटी का जो वेक्टर दे रखा है ये दे रखा है आपको टू वाई आई कैप प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री एक्स जे कैप इस केस में ये टू वाई जो है ये यू है यहां थ्री एक्स जो है वो v है अगर एक्सेलरेशन की बात करें x डायरेक्शन में तो उसे एक्सप्रेस किया था हमने कैसे सबसे पहले आप लिख लेंगे u v w पहले तो ये लिखेंगे क्योंकि x डायरेक्शन में है तो u का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x फिर u का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y फिर u का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z और फिर आपने ये तो कन्वेक्टिव लिख दिया लोकल एक्सलेशन भी लिखना पड़ेगा वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम अब इसे सॉल्व करें क्योंकि ये फ्लो आपको दो डायमेंशन वाला ही दे रखा है तो ये थर्ड कॉम्पोनेंट तो आएगा नहीं u एज इट इज लिखे u को एज इट इज लिखा तो हमने लिख दिया 2y फिर u को पार्शियली x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियट करेंगे तो जीरो प्लस v एज इट इज लिखें तो v आपके पास था 3x एक्स यू को पार्शियली डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू y तो विद रिस्पेक्ट टू y u को डिफ्रेंशिएट करिए पार्शियली तो 2 आ गया आपके पास ये वाली टर्म जीरो है यू को टी के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट नहीं कर सकते तो ये दोनों टर्म जीरो जीरो आ गए थ्री टूज आर सिक्स तो सिक्स एक्स आ गया और आपको एट वन कॉमा वन पता करना है तो पुट एक्स इज इक्वल टू वन तो आपके पास आंसर क्या आ गया सिक्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो जो बड़े बड़े फॉर्मूले हमने पढ़े थे उनका ऐसा यूज भी आ जाता है कि सिर्फ एक कंपोनेंट पूछ लेगा सिर्फ एक एक्स डायरेक्शन का पूछ लेगा नेक्स्ट द वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड एट अ पॉइंट इन अ टू डायमेंशनल फ्लू इज गिवन एज वेलोसिटी का कंपोनेंट दे रखा है इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट इज स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन आपसे पूछी है स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन की अगर हम बात करें तो स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन डीएक्स बाई यू इक्वल्स टू डी वाई वी अगर इस एक्सप्रेशन को देखें हम कि वेलोसिटी को वेलोसिटी वेक्टर आपको जो दे रखा है वो टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप इसको अगर देखें तो टू जो है वो यू है थ्री वी है तो आपने एक्सप्रेशन देखा कि डी एक्स बाय टू डी वाई बाय थ्री अब सॉल्व कर लीजिए इसको अच्छा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है इसी फॉर्म में आपको दे रखा है तो थ्री डीएक्स इज इक्वल टू टू डी वाई या फिर थ्री डी एक्स माइनस टू डी वाई थ्री डी एक्स माइनस टू डी बायल टू जीरो ट्वेंटी फर्स्ट का आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए नेक्स्ट एन इनर्ट ट्रेसर इज इंजेक्टेड कंटिन्यूअसली फ्रॉम अ पॉइंट इन एन अनस्टडी फ्लो फील्ड द लोकस ऑफ लोकेशन ऑफ ऑल द ट्रेसर पार्टिकल्स एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम रिप्रेजेंट्स किसी भी टाइम पे एक फिक्स्ड पॉइंट से निकले हुए पार्टिकल्स का लोकस क्या कहलाता है स्ट्रीक लाइन कहलाता है यही आपसे स्टेटमेंट के फॉर्म में उसने पूछा थोड़ा सा बस ये वर्ड यूज कर लिया कि कोई इनर्ट ट्रेसर का इस्तेमाल कर लिया या फिर कोई डाई का यूज कर लिया ऐसे वर्ड यूज कर लेंगे वो अस्ट्रीम फंक्शन इज गिवन बाय स्ट्रीम फंक्शन की वैल्यू आपको कुछ इस प्रकार से दे रखी है द फ्लो रेट अक्रॉस ए लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी ये जो कॉर्डिनेट दे रखे हैं इनमें आपको फ्लो रेट बताना है फ्लो रेट या डिस्चार्ज बताना है तो डिस्चार्ज और स्ट्रीम फंक्शन के बीच में रिलेशन क्या था कोई भी दो पॉइंट पे स्ट्रीम फंक्शन की वैल्यू का डिफरेंस जो है वो डिस्चार्ज पर यूनिट विथ आपको बता देता है उसी का यूज करना है आपको आपको क्या बताना है आपको ये बताना है कि डिस्चार्ज और स्ट्रीम फंक्शन में रिलेशन क्या है तो स्ट्रीम फंक्शन ए पर क्या है स्ट्रीम फंक्शन बी पर क्या है इनकी वैल्यूज पुट कर दो बस अगर हम देखेंगे कि स्ट्रीम फंक्शन की वैल्यू ए पर कितनी आती है टू एक्स स्क्वायर आपको क्या पुट करना है पहले ए के लिए पता कर रहे हैं पहले ए के लिए तो एक्स की वैल्यू थ्री वाई की वैल्यू जीरो पुट करनी है तो टू इन टू एक्स की वैल्यू थ्री और वाई की वैल्यू जीरो पुट करनी है तो आपके पास 18 आ गया b पे अगर हम देखेंगे तो x की वैल्यू पुट कर दीजिए जीरो y की वैल्यू टू पुट कर दीजिए y की वैल्यू टू पुट कर देंगे तो आपके पास ये आ गया फोर देर फोर डिस्चार्ज इज इक्वल टू या फ्लो रेट इज इक्वल टू एटीन माइनस फोर फोर्टीन यूनिट्स ऐसा कुछ ऑप्शन में नहीं दे रखा ऑप्शन नहीं आ रहा ठीक है फिर करेक्ट कर लेंगे कोई ऑप्शन मान लेंगे इसको सी को फोर्टीन कर देते हैं सी को फोर्टीन कर देंगे सी को फोर्टीन कर लीजिए ठीक है फोर्टीन आंसर आना चाहिए आपने अगर सही कैलकुलेट कर लिया तो बहुत ही अच्छी बात है नेक्स्ट क्वेश्चन सर्कुलेशन बताना है आपको सर्कुलेशन अगर आपको नहीं पता है तो वो वोर्टिसिटी इनटू एरिया होता है सर्कुलेशन जो होता है वोटिसिटी इंटू एरिया ये रोटेशन का फॉर्मूला होता है हमारे पास हाफ इंटू डेलवी अपॉन डेलेक्स माइनस डेल्यू अपॉन वाई वोटिसिटी इसका ट्वाइस होता है और एरिया से मल्टीप्लाई कर दें तो सर्कुलेशन आ जाता है सो so, वोटिसिटी का फॉर्मूला ट्वाइस ऑफ ट्वाइस ऑफ रोटेशन रोटेशन होता है हाफ इंटू डेलवी अपॉन डेलेक्स माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई हाफ को हटा दिया हमने क्योंकि वोटिसिटी ट्वाइस होता है रोटेशन का इन टू एरिया अब वैल्यूज पुट करके देख लीजिए v को डिफ्रेंशियट करना है पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x तो आपके पास u u हो जाएगा u को जीरोट करना है पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y तो टू एक्स जीरो हो गया थ्री वाई का पार्शियल डिफ्रेंशिएशन कितना हो गया थ्री हो गया मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ रेडियस टू यूनिट्स दो यूनिट आपके पास तो पाई पाईआर स्क्वायर फोर थ्रीज आर ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व यूनिट्स माइनस ट्वेल्व पाई यूनिट्स नेक्स्ट क्वेश्चन वेंचुरी मीटर इज एडवांटेजियस बिकॉज वेंचुरी मीटर एडवांटेजियस क्यों है क्योंकि इसके अंदर हेड लॉस कम है कोफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज जो है वो ऑरिफिस मीटर से ज्यादा है एक्यूरेसी बेहतर होती है ऑल ऑफ दी नेक्स्ट स्ट्रेस ऑन अ फ्लूड एलिमेंट इफ किसी फ्लू एलिमेंट के ऊपर शियर स्ट्रेस डेवलप होता है क्यों डेवलप होता है स्ट्रेस पहली चीज तो ये होनी चाहिए कि वो फ्लूड जो है वो विस्कस हो अच्छा डायरेक्ट आंसर ही दिख गया क्या इस केस में देखिए कि शीयर स्ट्रेस की अगर हम बात करें तो शीयर स्ट्रेस म्यू इन टू डी यू अपॉन डी वाई

तभी शियर स्ट्रेस एग्जिस्ट कर पाएगा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर अ फ्लूड इन मोशन प्रेशर एट अ पॉइंट इज सेम इन ऑल डायरेक्शन सेट टू बी किसी फ्लूड जब वो फ्लू मोशन में है तो हर डायरेक्शन में प्रेशर जो है वो सेम है तो उस केस में उस फ्लूड को बोलेंगे कि वो एक आइडियल फ्लूड है यूलर इक्वेशन फॉर मोशन ऑफ लिक्विड इज बेस्ड ऑन द द्शन दैट यूलर की इक्वेशन किस अजम्पन पे बेस्ड है कि फ्लूड होमोजेनस है और इनकंप्रेसिबल है बर्नॉलीज़ इक्वेशन इज एप्लीकेबल फॉर बर्नॉलीज़ इक्वेशन आइडियल फ्लूड के लिए एप्लीकेबल है मतलब उनके अंदर विस्कोसिटी जीरो है वो इनकम्प्रेसिबल होने चाहिए सो इनविसिड एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए वो है द फ्रिक्शनल फैक्टर ऑफ लैमिना रिक्वायर्ड फ्लो इन सर्कुलर पाइप इज प्रपोर्शनल टू फ्रिक्शन फैक्टर की हमने बात की थी कि फ्रिक्शन फैक्टर फ्रिक्शन फैक्टर की हमने बात की थी फ्रिक्शन फैक्टर इज इक्वल टू 64 फोर अपॉन रिनॉल्ड नंबर सो फ्रिक्शन फैक्टर आपको क्या दिखाई दे रहा है यहां पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिनॉल्ड नंबर इनवर्स टू द रिनॉल्स नंबर द रेशियो ऑफ मोमेंटम करेक्शन फैक्टर टू द एनर्जी करेक्शन फैक्टर फॉर अ लेमिनार फ्लो इन इज आपको बताना है कि मोमेंटम करेक्शन फैक्टर टू मोमेंटम करेक्शन फैक्टर टू काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर का प्रपोर्शन क्या है ये अगर आप देखेंगे तो वो 1.33 आता है आपके पास मोमेंटम करेक्शन फैक्टर अगर काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर की बात करें तो वो आपके पास होता है टू 1.33 को आप लिख सकते हैं 4 बाई थ्री डिवाइडेड बाई टू तो आंसर आ जाएगा 2 बाई थ्री ये आपको यहां से मिलेगा काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर टर्बुलेंट फ्लो लेमिनार फ्लो आपको बोला था ये चार वैल्यूज याद कर लीजिएगा मोमेंटम करेक्शन फैक्टर लेमिनार फ्लो के लिए 1.33 डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर लेमिनार फ्लो के लिए 2 सो 1.33 डिवाइडेड बाय 2 तो so ये आपके पास 2 बाई थ्री आ जाता है या 0.666 आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन द हेड लॉस ड्यू टू सडन एक्सपेंशन इज एक्सप्रेस बाई सडन एक्सप्रेशन का जो सडन एक्सपेंशन का हेड लॉस होता है V1 -V2 का स्क्वायर अपॉन हमने वी वन माइनस वी टू का स्क्वायर अपॉन टू जी सिंगल पाइप ऑफ लेंथ एल एंड डायमीटर डी इज टू बी रिप्लेस्ड बाय थ्री पाइप्स एक पाइप है आपके पास जिसकी लेंथ आपको एल दे रखी है जिसका डायमीटर आपको कैपिटल डी गिवन है इसे रिप्लेस करना है तीन पाइप से इज टू बी रिप्लेस बाय थ्री पाइप्स ऑफ सेम मटेरियल सेम लेंथ एंड इक्वल डायमीटर टू कन्वे द सेम टोटल डिस्चार्ज अंडर द सेम हेड लॉस सेम हेड लॉस होना चाहिए टोटल डिस्चार्ज सेम होना चाहिए देन डी एंड डी इज रिलेटेड एज अगर आप चाह रहे हैं कि सेम डिस्चार्ज हो तो सेम डिस्चार्ज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं आप सेम हेड लॉस हो जाए इनका हेड लॉस एड ऑन होकर के इसके बराबर चला जाए डिस्चार्ज सबका सेम हो जितना डिस्चार्ज यहां से एंटर करे उतना डिस्चार्ज यहां से एग्जिट करे डिस्चार्ज सेम होना चाहिए लॉस सेम होना चाहिए पाइप इन सीरीज के अंदर क्या पढ़ा था आपने आपने एक्सप्रेस किया था कि जो इक्विवेलेंट पाइप है इसके हेड लॉस इज इक्वल टू सबके इंडिविजुअल हेड लॉस को ऐड कर दो और डिस्चार्ज की वैल्यू सेम रख दो तो इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ दैट पाइप अपॉन इक्विवेलेंट डायमीटर ऑफ दैट पाइप आपने क्या लिखा था कि एल इक्विवेलेंट अपॉन कैपिटल डी हो जाएगा यहां पर यहां पर हम लिख रहे हैं कि ये वाला एल अपॉन डी रेज टू द पावर फाइव इज इक्वल टू एल वन अपॉन डी रेस टू द फाइव प्लस एल टू अपॉन डी टू डी रेस टू फाइव ये स्मॉल डी होंगे सबके प्लस एल थ्री अपॉन डी रेस टू द फाइव एल की वैल्यू सेम रखनी है आपको और आंसर बताएं देखिए क्वेश्चन में आपको यह दिया गया एल वन इज इक्वल टू एल टू इज इक्वल टू एल थ्री इज इक्वल टू एल तो यहां पुट करेंगे सारे ऐड हो जाएंगे तो थ्री एल अपॉन स्मॉल डी रेज टू द पावर फाइव इस एल से यह एल कैंसिल आउट हो जाएगा आपको रिलेशन कैपिटल डी का पूछा है तो कैपिटल डी रेज टू द पावर फाइव स्मॉल डी रेज टू द पावर फाइव अपॉन थ्री कैपिटल डी इज इक्वल टू ये हमारा रिलेशन आ जाएगा पता कैसे चला कि ये सीरीज है या पैरेलल ये पता हमें ऐसे चला कि जब आपको ये बोला गया कि इनका डिस्चार्ज भी सेम है और लॉस भी सेम आ रहा है थ्री पाइप ऑफ सेम मटीरियल सेम लेंथ इक्वल डायमीटर टू कन्वे द सेम टोटल डिस्चार्ज सेम डिस्चार्ज आना चाहिए और सेम हेड लॉस आना चाहिए हेड लॉस सेम तभी आएगा जब इन सबका लॉस एड होगा कि इसका टोटल हेड लॉस जो था एच HL, एल वो एच एल वन एच एल टू एच एल थ्री इनको एड करने से आ जाए हमारे पास हेड लॉस और यही हमने सीरीज में लिखा था हेडलॉस सबका ऐड कर दीजिए इसी केस में तो ऐसा था ना कि डिस्चार्ज सबके थ्रू सेम जा रहा है तो आपको क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट्स पे ध्यान देना है कि सेम टोटल डिस्चार्ज अंडर द सेम हेडलॉस ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन द यूनिट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं ना पास्कल सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर द डायमेंशन फॉर विस्कोसिटी विस्कोसिटी होती है न्यू न्यू की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड यानी कि मास की पावर जीरो की पावर दो टाइम की पावर माइनस वन या फिर लेंथ की पावर टू ओपॉइंट टी ऐसे भी लिख सकते हैं ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा आपकी मेहनत थी दोस्त जेके पी एस सी में आपने अच्छा किया तो नेक्स्ट क्वेश्चन वेलोसिटी फ्लो फील्ड फॉर अ फ्लू इज गिवन बाय आपको वेलोसिटी का एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है छोटा सा प्यारा सा डेंसिटी भी चेंज हो रही है डेंसिटी भी चेंज हो रही है इन ऑर्डर दैट द मास इज द वैल्यू ऑफ इज इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं जेई के अंदर भी अगर वो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा है तो हमें आज तक ये तो पता है कि अगर कंटिन्यूटी इक्वेशन अप्लाई करनी होती है तो डेल्यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड इक्वल टू जीरो पुट करना है तो आपके पास वहां से रिलेशन आ जाएगा जो भी पता करना है हमें तो इस केस में तो आपको डेंसिटी को भी वेरी करवा दिया

जाना है सॉरी माय बैट अब बताएं इस केस में आपको अगर इक्वेशन यूज करनी पड़े कंटिन्यूटी वाली तो पहले रो को डिफ्रेंशिएट करना है पहले पार्शली विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो आपने इसे डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम किया प्लस फिर आपने लिखा यहां पर कि डिफ्रेंसिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स रो इंटू यू का प्लस विद रिस्पेक्ट टू वाई रो इंटू वी का प्लस विद रिस्पेक्ट टू जेड रो इंटू डब्ल्यू का इक्वल्स टू जीरो पुट कर सकते हैं ये पुट करना था अब अलग अलग इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं फिर सॉल्व कर लेंगे इसे वैल्यूज की अगर हम बात करें तो डेंसिटी का एक्सप्रेशन आपको दे रखा है कि वो रो नॉट इन टू रेज टू दावर माइनस टू टी ऐसे वेरी कर रहा है अब अगर आप डिफरेंशिएशन करते हैं टाइम के साथ डेंसिटी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशियट करते हैं तो रो नॉट कॉन्स्टेंट रहेगा रेज टू दावर माइनस टू टी का डिफरेंसिएशन माइनस टू टी रहे ई रेज टू दावर माइनस टू टी और माइनस टू टी का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी तो आ गया टू तो। यानी कि अब आप इसे रीअरेंज कर करके ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस टू इंटू माइनस टू इंटू ये पूरा एक्सप्रेशन आ गया एज इट इज हमारे पास जिसे हमने लिख दिया रो के बराबर ही सो so, आप डेल रो अपॉन डेल्टी की जगह माइनस ट्वाइस ऑफ रो लिख सकते हैं माइनस ट्वाइस ऑफ रो लिख सकते हैं तो इसकी जगह तो हमने एज इट इज लिख दिया कि ये हमारे पास आया माइनस ट्वाइस ऑफ रो के बराबर ये वाला एक्सप्रेशन फिर प्लस अब आप यू का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दीजिए पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये वाली टर्म हमारे पास u है ये वाली टर्म हमारे पास v है ये वाली टर्म हमारे पास w है u का डिफ्रेंसिएशन पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x तो आपके पास आ गया एक्सप्रेशन फाइव फाइव इंटू रो आ गया आपका ये 5 into फिर आप अगर देखेंगे v का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू y तो ये भी आपके पास कितना आ गया फाइव इंटू रो रो क्योंकि t के रिस्पेक्ट में चल रहा है तो वो एक्स वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर ही नहीं रहे उसको ये आपके पास आ गया अब आपको यहां पर पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू जेड डब्ल्यू को तो आपके पास ये लेमडा आ गया और इंटू रो इक्वल्स टू जीरो सारे रो उधर जा करके जीरो हो जाएंगे या जा ऐसे नहीं पसंद आ रहा तो ऐसे लिख सकते हैं कि लेमडा इंटू रो इज इक्वल टू माइनस एट हो जाएगा माइनस एट आंसर आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर अ टू डाइमेंशनल फ्लू द स्ट्रीम फंक्शन इज गिवन बाय दिस डिस्चार्ज आपको पता करना है जीरो और थ्री कॉमा फोर सेम जैसे हमने बोला था डिस्चार्ज अगर आपको बताना हो तो स्ट्रीम फंक्शन ए पर स्ट्रीम फंक्शन की वैल्यू बी पर कितनी है ये पुट कर दीजिएगा ए के लिए आपको जब पुट करना है थ्री बाई टू ऑफ के केस में जीरो कॉमा थ्री एक्स की जगह जीरो वाई की जगह थ्री पुट करना है आपको सो थ्री बाई टू ऑफ नाइन माइनस जीरो फिर माइनस थ्री बाई टू ऑफ थ्री कॉमा फोर तो फोर का आपके पास आ जाएगा सिक्सटीन माइनस बता दीजिए आंसर कितना आएगा थ्री यूनिट्स आ रहे हैं थ्री यूनिट्स क्स्ट क्वेश्चन लॉस ड्यू टू सडन कॉन्ट्रेक्शन की वजह से जो लॉस आता है वो किस, तो किस कारण से हुआ था ये जब फ्लू फ्लूड कॉन्ट्रैक्ट करता हुआ जा रहा था आगे जाकर के ये जो एक्सपेंड कर गया इस पॉइंट के बाद जो लॉस हुआ इसके कारण

वो सेम हो जाएगा इन दोनों का डिस्चार्ज और हेड लॉस अगर सेम हो जाएगा तब इन दोनों को बोलेंगे कि ये पाइप्स हैं वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ़ अ टू डायमेंशनल प्लेन मोशन ऑफ फ्लू ऑफ आर आपको दे रखे हैं द करेक्ट स्टेटमेंट इज फ्लू कंप्रेसिबल है या रोटेशनल है ये आपको चेक करना है अगर कंप्रेसिबिलिटी चेक करनी है आपको तो आप क्या लिखेंगे टू चेक कंप्रेसिबिलिटी चेक कंप्रेसिबिलिटी आप लिखेंगे u का डिफरेंशिएशन पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x v का डिफरेंशिएशन पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल्स टू जीरो पुट कर दीजिए u का डिफरेंशिएशन पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x तो ये टर्म जीरो ये आपके पास आ गया टू और माइनस टू एक्स वाई आ गया इस तरफ आप अगर देखेंगे प्लस वी का डिफ्रेंसियन विद रिस्पेक्ट टू तो y तो आपके पास टू एक्स वाई और माइनस टू और ये वाली टर्म जीरो तो आप यहां पे देखेंगे तो ये आपस में कैंसिल ये आपस में कैंसिल जीरो तो देर फोर इन कंप्रेसिबल अब अगर आपको रोटेशन चेक करना है टू चेक फॉर रोटेशन ओमेगा जेड की वैल्यू हाफ ऑफ वी का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स यू का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई और पता कर लीजिए कि ये वैल्यू कितनी आई हाफ ऑफ v का डिफ्रेंसिएशन पार्शली विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास आ गई आपके पास माइनस थ्री एक्स स्क् माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई अब इसको वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा थ्री वाई स्क्वायर बाय थ्री और माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए हाफ ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये आपस में कैंसिल आउट ये आपस में कैंसिल आउट जीरो देर फोर इरोटेशनल, इनकंप्रेसिबल एंड रोटेशन जीरो आ रहा है क्या हां जी दोस्त रोटेशन जीरो आ गया रोटेशन जीरो है डेल्यू अपॉन डेलेक्स प्लस डेलव्यूपॉन डेलवास इनकमी केस में कुन के के ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू अडेजन तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इफ एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ ड्रॉप ऑफ लिक्विड इज अक्यूट अक्यूट अगर है तो मतलब वेटिंग फ्लूड है रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन इफ द कैपिलरी ऑफ वॉटर इन एम एम डाया ट्यूब इज थ्री सेंटीमीटर द हाइट ऑफ कैपिलरी राइज ऑफ वॉटर इन पॉइंट टू एम एम डाया ट्यूब इन सेंटीमीटर विल बी आपको पता है कि कैपिलरी राइज का एक्सप्रेशन क्या है कैपिलरी राइज का एक्सप्रेशन है कॉस थीटा अपॉन रो जी डी क्या यही फॉर्मूला है क्या दो तीन फॉर्मूले थे आपके पास एक रो जी डी स्क्वायर वाला भी आया था एक टू जी डी वाला भी आया था तो फोर सिग्मा अपॉन रो जी डी हमने यूज किया कैपिलरी राइज या फॉल के केस में आपको यहां से क्लियरली दिख रहा है कि एच जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डी के इट मीनस दैट अगर आप एच वन अपॉन एच टू लिखेंगे तो वो आ जाएगा आपके पास D2 टू अपॉन डी आपको H2 पूछा है इज इक्वल टू एच की वैल्यू कितनी है तीन सेंटीमीटर अगर आपके पास राइज है अगर D1 की वैल्यू आपके पास थी वन एम mm. और D2 अब अगर हो गई है जीरो पॉइंट टू एम यूनिट्स देख लीजिएगा mm से mm कैंसिल आउट हो जाएगा आंसर आएगा सेंटीमीटर में ऑप्शन सी 15 सेंटीमीटर नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एट ए एंड बी दोनों केस में प्रेशर के बीच का रिलेशन सेम होगा प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी एच रो जी सेम है दोनों केस में द वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एट अ स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इज नोन एज वेट पर यूनिट वॉल्यूम को स्पेसिफिक वेट बोलते हैं वेट डेंसिटी बोलते हैं यूनिट वेट बोलते हैं इसे क्या बोलते हैं स्पेसिफिक वेट बोलते हैं वेट डेंसिटी भी बोलते हैं या फिर इसे हम यूनिट वेट भी बोलते हैं वेट डेंसिटी भी कह सकते हैं नेक्स्ट, द टाइम ऑसिलेशन ऑफ अ फ्लोटिंग बॉडी विद इंक्रीज़ इन मेटासेंट्रिक हाइट विल तो टाइम और अगर की बात करें, तो इनवर्स रिलेशन है अगर तो ये रिड्यूस हो जाएगा ये रिड्यूस होगा तो टाइम बढ़ जाएगा अ फ्लोटिंग बॉडी सेट टू बीन स्टेबल इक्विलीब्रियम एक फ्लोट करती हुई बॉडी जो है उसके इसमें मेटासेंट्रिक हाइट पॉजिटिव होना चाहिए एम ऊपर होना चाहिए फिर जी फिर बी सो पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए फ्लो इज क्लासिफाइड एज as फ्लो flow द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ of नंबर number 2000 से कम है तो लेमिनार 2000 से 4000 तो ट्रांजिशन 4000 से ज्यादा है तो आपके पास आ जाता है टर्बुलेंट फ्लो कंटिन्यूटी equations बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन जो होती है वो मास कंजर्वेशन के ऊपर होती है यूलर वाली मोमेंटम कंजर्वेशन के ऊपर होती है Bernoulli's की इक्वेशन जो है वो आपकी एनर्जी पर यूनिट वेट के कंजर्वेशन के ऊपर है एनर्जी कंजर्वेशन पे बर्नौली फ्लो एट कॉन्स्टेंट रेट थ्रू अ टेपरिंग पाइप रिड्यूस हो रहा है आपको पता है लेकिन अगर यहां का एरिया कैपिटल ए है यहां के वेलोसिटी चलो ए वन वी वन लेते हैं यहाँ की अगर आपके पास ए टू वी टू है इफ यू नो दैट ए वन वी वन इज इक्वल टू ए टू वी टू और आप यह कह रहे हैं कि अगर ए वन बड़ा है ए वन बड़ा है ए टू छोटा है तो इस केस में इन्हें कंपनसेट करने के लिए या फिर ऐसे लिख दीजिए कि अगर आप वेलोसिटी का एक्सप्रेशन देखेंगे तो वी वन इज इक्वल टू ए टू अपॉन ए वन इन टू वी टू क्योंकि ए टू अपॉन ए वन ए टू अपॉन ए वन ए टू छोटा एरिया ए वन बड़ा एरिया तो आपको पता है कि ए टू अपॉन ए वन जो है वो आपके पास लेस देन वन आएगा अब अगर कोई लेस देन वन वाली क्वांटिटी अगर वी टू से मल्टीप्लाई हो जाए तो वी वन और छोटा हो जाएगा इसका मतलब आप ये बोल सकते हैं कि वी वन जो है वो कम होगा एज कंपेयर टू वी टू इसका मतलब वेलोसिटी इज चेंजिंग एट टू सेक्शन यहां वेलोसिटी कुछ अलग थी यहाँ वेलोसिटी कुछ अलग है तो वेलोसिटी दोनों की अलग अलग है सो विद रिस्पेक्ट टू स्पेस अगर प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं तो उस उस केस में फ्लो को बोलेंगे कि वो नॉन यूनिफॉर्म फ्लो है स्टेडी किसको बोलते हैं कि ये गिवन सेक्शन पे खड़े रहो इस सेक्शन पे देखेंगे तो वेलोसिटी वीवन ही रहेगी हमेशा तो इस सेक्शन पे वेलोसिटी वी वन ही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं हो रही तो फ्लो स्टेडी है लेकिन नॉन यूनिफॉर्म है विद रिस्पेक्ट टू स्पेस वेलोसिटीज चेंज हो रही है तो आप इसे क्या बोलेंगे कि यहां पर फ्लो स्टेडी है और नॉन यूनिफॉर्म हमारे क्वेश्चन जो हुए हैं वो 50 मिनट में 50 नहीं हुए लगभग सत्तावन मिनट में 50 क्वेश्चन हुए हैं थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया उसमें दो चार मिनट ऐसे मान सकते हैं आपने शुरू में जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ लिए थे तो ओवरऑल इफेक्टिवली ऐसे माने तो 55 मिनट में 50 क्वेश्चन हुए ठीक है फिर भी स्पीड ठीक है डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ क्वेश्चन और जो लेवल ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर थे वो सारे के सारे गेट के लेवल के क्वेश्चन थे अगर आप कर पाए तो अपने आप को शाबाशी दे करके सो जाइएगा नहीं कर पाए तो ये सोच के सो जाइएगा कि पचास सवाल हमने आज ऐसे देखे थे जो हमारे लिए हो सकता है नए थे जिनमें हमें कुछ सीखने को मिला तो अपने आप को एक पॉजिटिव एनर्जी जरूर दीजिएगा यार हम मेहनत कर रहे हैं हम कोशिश कर रहे हैं हम एफर्ट्स लगा रहे हैं हम अपना पैसा टाइम सब इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना एकदम झोंक दे रहे हैं सबको जो भी हमारे हमसे बन पड़ता है जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और उसके बाद अगर खुद को उस पर भी हम कोसते ही चले जाएंगे हमेशा खुद को एक गिल्ड फीलिंग ही देते चले जाएंगे कि तुम्हें कुछ नहीं आता तुम कुछ नहीं कर रहे तुम कुछ नहीं कर सकते तुमसे एग्जाम क्लियर नहीं होगा तो फिर कैसे बात बनेगी दुनिया तो हमारी सगी है ही नहीं अगर हम अपने ही ना हुए तो हम किसके हो पाएंगे तो इसीलिए अपने आप को भी समय समय पर एप्रिशिएट करते रहना चाहिए कि हाँ तुमने प्रोग्रेस किया और तुम और बेहतर कर सकते हो जितना आप अपने आप को अगर मोटिवेट कर सकते हैं ना उतना कोई और आपको मोटिवेट नहीं कर पाएगा आपको अपनी स्ट्रेंथ पता है आपको अपनी वीकनेस पता है आप किसी और से ऑनेस्ट हो ना हो आप खुद से हमेशा ऑनेस्ट होते हैं आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं लेकिन अगर खुद को एनालाइज करेंगे खुद को पुश करेंगे पॉजिटिवली खुद को मोटिवेट करेंगे पॉजिटिवली तो जो आप गड़बड़ कर रहे हैं जो गलतियां आप कर रहे हैं जो काम चोरी आप कर रहे हैं जो पढ़ाई से संबंधित कुछ लापरवाही अगर आप बरत रहे हैं तो वो सब करना आप बंद कर देंगे ठीक है तो थोड़ा सा अपने आप को भी अप्रिशिएट कर लीजिएगा पॉजिटिवली और जरूरी नहीं है कि हर बार हमें हर सवाल को देखते ही अपने आप को ये बोलना है तुम्हें ये भी नहीं आता ये भी नहीं आता तुम्हें ये भी नहीं आता तुम्हें इसके बजाय ये बोलना शुरू कर दो कि हां एक और क्वेश्चन देख लिया है तुमने एग्जाम से पहले जब तुम तैयारी कर रहे हो यह तैयारी का फेज है सीखने का फेज है कि जब तुमने सीखने वाले फेज के अंदर एक और नया सवाल देख लिया है उस टॉपिक से रिलेटेड जो तुमने पढ़ा था तो इसको भी सीख लो और अपने आप को वो सीख लेने के बाद पॉजिटिवली बोल लो कि हाँ अब तुम्हें कुछ और भी आता है जो अब से एक घंटे पहले नहीं आता था तो इसी तरीके से हम आगे पुश होते चले जाएंगे खुद से भी ठीक है नया सब्जेक्ट कौन सा होगा आप ये जैसे ही लाइव स्ट्रीम खत्म हो जाए नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा लाइव स्ट्रीम खत्म होने के बाद कमेंट्स के अंदर अगर आप पढ़ना चाहते हैं सिविल इंजीनियरिंग को प्री टू मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से चाहे आप प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखें मेंस के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें जैसे क्वेश्चंस अब तक आए हुए हैं जैसे क्वेश्चंस अब तक आएंगे पूरा कॉम्प्रीहेंसिव मतलब पूरा डिटेल में ए टू जेड अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं आप कोड यूज कर सकते हैं ऐप के ऊपर न्यू स्टार्ट फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट और यहां पे आपको सारे के सारे टेक्निकल सब्जेक्ट नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट मिलेंगे आपको टेक प्लस नॉन टेक इस एग्जाम के लिए सब कुछ अब सब कुछ मतलब सब कुछ आ जाएगा चाहे वो टेस्ट सीरीज हो चाहे वो प्रैक्टिस सेशन हो चाहे वो क्वेश्चन वाले सेशन हो मिस्टेक एनहेंसमेंट सेशन हो किसी भी प्रकार के सेशन हो सब कुछ आपको इसी के अंदर मिल जाएगा सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सब्जेक्ट वाइज रिविजन एवरीथिंग विल बी देयर फॉर यू टेक्निकल और नॉन टेक दोनों ट्वेल्व मंथ्स इस कोर्स की वैलिडिटी ऐसा नहीं है कि हाँ बस जस्ट एग्जाम हो गया तभी खत्म हो जाएगा ऐसा भी नहीं है कि हाँ एक बार ही सेशन आप देख सकते हैं एक बार सेशन देखेंगे या मैक्सिमम से मैक्सिमम दो बार देख सकते हैं फिर नहीं देख पाएंगे जितने मर्जी बार आप देखिए जितने ड्यूरेशन की आप आपके पास वैलिडिटी है आराम से आप एक्सेस कर सकते हैं आराम से आप सीख सकते हैं अलॉन्ग विद नोट्स पी सब कुछ आपको इसी के अंदर मिल जाएगा ऐप डाउनलोड अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक और पिन चैट के अंदर भी इसका लिंक आपको मिल जाएगा इसके अलावा जो भी सोशल मीडिया लिंक्स हैं वो भी आपको नीचे मिल जाएंगे इस चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग के जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए यूट्यूब पर भी और ऐप के ऊपर भी पढ़ रहे हैं इस सेशन को अगर आप लाइक कर रहे हैं अच्छा लग रहा है तो लाइक कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ भी आप इसे शेयर कर सकते हैं ऐसा एक सेशन रोज कर दीजिए अगर आप चाहते हैं रोज करना है तो भी आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं क्योंकि जब तक आप बताएंगे नहीं आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे आप अपनी जो प्रतिक्रिया है या फिर आप अपना जो भी वैल्यूएबल फीडबैक है जब तक आप वो नहीं देंगे तो पता कैसे चलेगा टीचिंग एंड लर्निंग एक टू वे प्रोसेस है ऐसा नहीं है कि एक एंड से बस सिर्फ इन्फॉर्मेशन पास कर दी जा रही है आपको आपको भी चीज़ें रिस्पॉन्ड करनी है तो आप बताएंगे कि हाँ ये चीज़ सही थी या इस चीज़ में ये इम्प्रूवमेंट हो सकता है मैं ऐसा नहीं कह रहा मैं हमेशा सही ही हूँ हो सकता है मैं भी कुछ चीजें गलत करूँ हो सकता है मैं भी कुछ ऐसी चीजें हूँ जो जिनमें इंप्रूवमेंट का स्कोप हो तो जब तक आप नहीं कम्युनिकेट करेंगे तो कैसे बात बनेगी तो आपको अगर लगता है कि कुछ सुझाव हैं कुछ फीडबैक्स हैं कुछ अच्छा कुछ भी अगर आपको लगता है कुछ और बेहतर हो सकता है तो वो आप सेशंस के अंदर कमेंट करके हमें बता सकते हैं थैंक यू सो मच सी यू इन नेक्स्ट सेशन टिल देन टेक केयर बाय बाय गुड नाइट